गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात करेंगे। देखो जैसे फ्रैक्शन है 4/9, है ना, तो ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ध्यान देना बेटा, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब देखो, यानी कि अब देखो 5/7 में 5 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर 7। अब यहाँ देखो, लुक एट द गिवन फिगर एंड कंप्लीट द टेबल, ए वाला किया हुआ है, अब बी वाला करें। नंबर ऑफ शेडेड पार्ट जो न्यूमरेटर में आएगा, तो कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट 1, 2, 3, 4 हो गए। और टोटल पार्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स इन ऑल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया, तो लिखेंगे 4/12 हो गया। अब इधर देखो, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट 1, 2, 3, 4, ये न्यूमरेटर हो गया, और अनशेडेड पार्ट 1, 2, टोटल पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 4/9 ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। इसी तरीके से ये सारा, चलो एक और मैं करके दिखाता हूँ, डी वाला देखो, ये डी है, तो यहाँ डी कितने कलर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है शेडेड पार्ट में आ जाएंगे, और टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 15 है टोटल, तो क्या हो जाएगा, 7/15। अब ये वाला और ये वाला आप अपने से करोगे, ओके। अब वर्ड प्रॉब्लम हमें करनी है, देखो एक्सरसाइज 6.5 है, बहुत इजी है बेटा, समझोगे तो कर लोगे। हामिद हैड 10 एडिशन क्वेश्चन एज होमवर्क, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10। ही सॉल्व 7 आउट ऑफ देम, 7 उसने सॉल्व कर दिए। व्हाट इज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द अनसॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन कितने हुए, 10 - 7 यानी कि 3, तो अनसॉल्व क्वेश्चन का फ्रैक्शन 3/10, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, हो गया। अगला देखो, देयर वर 16 पैसेंजर्स इन बस, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द बस 16, 9 पैसेंजर्स गॉट डाउन, कितने उतर गए, 9। वॉट इज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द पैसेंजर्स हु गॉट डाउन, जो उतरे उनका क्या फ्रैक्शन होगा, 9/16 हो गया, ठीक। अब देखो, मॉम गेव मी 18 टॉफीज, I ate 1/2 of them and gave 1/3 of them to my sister. How many toffees did? तो I ate कितनी मैंने खाई, 1/2. Give to my sister कितनी दी है मैंने उसको, 1/3. तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। How many toffees did I ate? 1/2. 1/2 या into 18, है ना, तो कितना हो गया, 9, कैंसिल कर देंगे, और कितनी दी थी, 1/3 into 18 यानी कि 6 टॉफी, सॉल्व हो गया। राजू हैज़ ₹90 एज पॉकेट मनी, ही स्पेंड 1/3 ऑफ इट्स स्टेशनरी एंड 1/3 ऑफ इट्स टॉय, तो बताना हाउ मैनी मनी डिड स्पेंड ऑन स्टेशनरी, तो 1/3 इंटू 90 तो यानी कि 30, और इसी तरह 1 कितनी बच गई उसके पास, तो 90 में से 30 मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, देखो 30 उसने इसमें खर्च की, 30 उसने इसमें खर्च, यानी कि 60 रुपीस खर्च कर दिए, तो उसके बाद 30 रुपीस बच गए। सुजॉय इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, द बुक हैज 32 पेजेस, सुजॉय हैज़ रीड 15 पेजेस, वॉट इज द फ्रैक्शन पेजेस आर लेफ्ट फॉर हिम, देखो तो पहले 32 में से 15 माइनस कर दो, तो कितना हुआ यहाँ पर, 17 हुआ। अब कितने फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 17/32। उसने बचे हुए पेजेस के बारे में पूछा ना, तो 15 पेजेस उसने पढ़ लिए थे, तो हमने 32 में से 15 माइनस किया तो 17 आया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 17/32, ये उसका फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब इसका लर्निंग अपडेट्स है बेटा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक।
आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ वाला भी, ये वाला भी जो है हिस्सा, ये जो 6.4 और 6.5, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय।